वेलकम एवरीवन, आज हम बनाएंगे हलवा जैसा खस्ता प्याज कचौड़ी रेसिपी। बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, ताकि कोई भी अगर फर्स्ट टाइम बना रहा है तो उसके लिए भी आसान हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले गर्म करेंगे करीब 4 बड़ा चम्मच तेल, उसमें डालेंगे सौंफ, धनिया और जीरा। उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे तेल में। अब इसमें हम 1 छोटे चम्मच हींग डालेंगे, थोड़ा छिड़क देंगे ऊपर से, और उसके बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और 3 मीडियम साइज प्याज, जैसे कि हमने पहले चॉप करके रखा था, उसे यहाँ पे डाल के हम एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना शुरू कर देंगे। लो फ्लेम पे क्यों फ्राई करना है मैं बता रहा हूँ आते आते। अब इसमें डालेंगे हम नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और आमचूर। आमचूर चाहे तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आमचूर से थोड़ा खट्टापन आता है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पकाते जाएंगे लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो प्याज जो है वो अपना मॉइस्चर छोड़ देगा, और वो हमें नहीं चाहिए। हमको प्याज को अच्छी तरीके से उतना ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे हम 3 छोटे चम्मच बेसन और इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे प्याज के साथ। अगर अभी हम हाई फ्लेम पे करते हैं तो ये जो है दरदरा से एक क्या कहते हैं आटा जैसा बन जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम चीनी और इसको मिक्स करते जाएंगे। पूरा प्रोसेस लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे स्विच नहीं करना है। स्टफिंग रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए और बनाएंगे कचौड़ी के लिए डो। कचौड़ी का डो बनाने के लिए हम यूज करेंगे 2 बड़े कप मैदे का। उसमें डालेंगे नमक, साथ में डालेंगे अजवाइन, जिसे कि हाथों के बीच में अच्छे से घिस लेना है। और उसके बाद मोइन लगाने के लिए इसमें हम यूज करेंगे 2 बड़े चम्मच घी का। हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर पानी जितना जरूरत हो उतना डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है डो बनाते वक्त, कि डो जो है वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होने से ही अच्छा है। ज्यादा सॉफ्ट होगा तो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा हमारा प्याज का कचौड़ी। अभी इसे हम रेस्ट करने रख देंगे, क्योंकि डो जो है वो रेडी हो चुका है। 15 से 20 मिनट बाद लेंगे डो को और फिर से हल्का सा नीड कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे से बॉल्स लेना हम शुरू कर देंगे, जिससे कि हम बनाएंगे अपना कचौड़ी। कचौड़ी बनाने का भी 2 तरीका आता है यहाँ पे। फर्स्ट तरीका है कि आप इसे बेल ले, जैसे कि आप नॉर्मली पूरी बेलते छोटी वाली पूरी, उसी तरह इसको भी हम बेल लेंगे। और एक बार बेलने के बाद इसके बीच में एकदम सेंटर में डालेंगे हम अपना स्टफिंग, और फिर इसको हाथों में लेंगे। और जैसे कि हम मोमो को रैप करते हैं ना साइड में ड्रेप बनाते हुए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं साड़ी का ड्रेप जैसा होता है, वैसे करके इसे हम सील कर लेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही एक्चुअली फॉर्मूला है, मतलब इसकी नॉर्मली बनाते हैं हलवाई वाले। और फिर इसको थोड़ा सा बेल लेंगे हम, ताकि जो मसाला है वो बाहर से निकल ना जाए। हल्का सा प्रेशर डाल के बेलना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ये था पहला तरीका कचौड़ी बनाने का। दूसरे तरीके में हाथों की मदद से हम छोटा सा एक डेंट बना लेंगे, जिससे कि एक बाटी का शेप ले लेगा हमारा बॉल। उसमें डालेंगे हम स्टफिंग और सारे किनारों को एक साथ लाके हम इसको सील कर लेंगे। नॉर्मली ये बहुत सिंपल लगता है, बट कभी कभी चांसेस है कि जो मसाला है अंदर से वो निकल जाए, इसीलिए अगर आप ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। और फिर इसे हम हाथों की मदद से लेंगे, थोड़ा सा गोल कर लेंगे, और लास्ट में हल्के हाथों से इसे भी थोड़ा बेल लेंगे। आप देख सकते हैं पीछे थोड़ा सा जो मसाला है वो निकल चुका है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल वे से करिए, अच्छा होगा। फिर हम लेंगे करीब 1 कप तेल, जिसे कि हम एकदम हल्का सा गर्म कर लेंगे, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है। उसमें डालेंगे कचौड़ी और उसे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हमारा कचौड़ी है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बने। करीब 15 से 20 मिनट आपको इसमें टाइम लगेगा, हाँ यही सबसे लंबा टाइम लेता है। और फिर इसको हम हल्का सा पलटते जाएंगे इधर उधर करते हुए, चलाते ही जाना है आपको इसे। और फिर ये थोड़ी देर बाद देखिएगा कि ये फूलना शुरू हो चुका है। जब ये फूलना शुरू हो गया है तब भी इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, हाई फ्लेम पे लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो इसे हमें और 1-2 मिनट पकाना है। और उसके बाद इसे हम स्ट्रेन करके, मतलब तेल से स्ट्रेन करके एक प्लेट में उतार के रख देंगे, और इसके बाद इसे सर्व करेंगे। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम सारे के सारे कचौड़ियाँ बना लेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची बिना प्याज कचौड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मिर्ची को डालेंगे हम तेल में। उसको हल्का फ्राई करके हम उठा लेंगे और सर्विंग के टाइम पे कचौड़ी के साथ इसे सर्व करेंगे। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।